बिनियन का दांता टूट गया है ये देखो, तो आज इसमें हम वेल्डिंग करेंगे देखिए। तो अब इसे हम बांक में ले जाएंगे, बैंक बांक में ले जाने के बाद देखिए ये देखिए बांक में इसे फंसाएंगे, ढीला कर रहे हैं फंसाने के लिए, और ये पिनियन को बांक में फंसा दिया है और इसको धीरे धीरे करके घुमाया जा रहा है, घुमा करके इसमें वेल्डिंग की जाएगी। देखिए अभी किस प्रकार से इसमें वेल्डिंग की जा रही है, इसमें ये वेल्डिंग रॉड निकाला जा रहा है और 650 पीए का वेल्डिंग रॉड है। ये देखिए इसमें वेल्डिंग कर रहा है धीरे धीरे हमारा वेल्डर भाई, ये देखिए फोंक फोंक कर वेल्डिंग कर रहा है। जैसे वेल्डिंग करने के बाद में पपड़ी सी पड़ जाती है, पपड़ी को निकाल रहा है, उसका इसमें वेल्डिंग कर रहा है धीरे धीरे करके। ये देखिए, ये देखिए, ऐसा करने से ये होता है जो बीच में खाली जगह रह जाती है वो भर जाती है, इसलिए इसे कपड़े को निकालते जाता है ठोक ठोक करके। ये देखिए सुन्नी बना के हथौड़ी सुन्नीदार बना के इसे मोड़ कर और इसको धीरे धीरे झड़ाते हैं और फिर वेल्डिंग करना चालू करते हैं, धीरे धीरे करके वेल्डिंग करते हैं। और वेल्डिंग करने के बाद फिर मैं आगे आपको बता रहा हूँ करना है। वाला है कटिंग वाला है और कटिंग वाला है, तभी हम घिसाई वाला पर लगा रहे हैं इसमें ग्लेंडर में पत्ता। और देखिए घिसाई चालू कर दिए, इसको आस्ते आस्ते घिसना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, बराबर घिसना है ताकि जो उसके अगल बगल का शेप है बराबर आए दूसरे ग्रुप के बराबर, ये भी ग्रुप ऐसा चाहिए। इस वजह से देखिए धीरे धीरे करके उसको घिसा जा रहा है, हमारा वेल्डर भाई लगा हुआ है बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ा मेहनत कर रहा है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेल्डर भाई हमारा देखो कितनी मेहनत कर रहा है, पहले वेल्डिंग किया है, वेल्डिंग करने के बाद अब ये घिसाई कर रहा है, उसको शेप दे रहा है जैसे कि दूसरे इसमें ग्रुप है वैसा उसको शेप दे रहा है। और देखिए अब इसमें नापा जा रहा है दूसरा ग्रुप और ये ग्रुप बराबर चाहिए, तो ये मोटा पड़ रहा है, इसमें हम फिर से घिसाई करेंगे। तो देखिए वेल्डर भाई हमारा घिस रहा है बाद, अब कटिंग ब्लेड लगाएंगे, इससे भी थोड़ा सा मोटा था तो उसको कटिंग करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मोटाई ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से वेल्डर भाई हमारा इसको काट रहा है कटिंग ब्लेड लगा के। ये देखिए काट रहा है और आपको बड़ी आराम से काटना है, हाथ में ना लगे और ज़्यादा भी नहीं कटना चाहिए। अब ये देखिए दूसरी तरफ का काट रहा है, क्योंकि जो पिनियन के ग्रुप हैं सारे ग्रुप बराबर होने चाहिए, तो जो आपकी थाली होगी वो बैठेगी नहीं, जब भी पिनियन थाली रहती है वो आपकी बैठेगी नहीं, इस वजह से पिनियन को बराबर देखिए हो चुका है। ऐसे फिर से घिसाई करना चालू कर दिया है, काटने के बाद फिर से घिसाई कर रहा है ताकि इसका सेप बराबर आ जाए, बिल्कुल वैसा ही सेप बनाएगा, देखते जाइए।
ब्लेड ब्लेड लगा दिया है जिससे कि चिकना होता है, पॉलिश के लिए जो लगाते हैं उसमें, वो ब्लेड लगा के उसको चिकना किया जा रहा है धीरे धीरे करके, आस्ता आस्ता उससे कुछ खुरदुरा बना और धीरे चिकना हो जाए, जीरो जीरो चिकना करना जैसे कि दूसरे ग्रुप में वैसे ही चिकना बनाना उसको, इसलिए हम उसको बिल्कुल बटन वाला प्लेट लगा के बस सारे ग्रुप में मार देंगे, एक जैसा हो जाएगा। अभी पहचान भी नहीं आएगा, अभी देखिएगा आगे पहचान भी नहीं पाओगे कि कौन सा उसमें बेल्टिंग हुआ था, ये देखिए। कितना अच्छा बनाते हैं आप बता भी नहीं पाओगे, देखिए सारे से बराबर हो गए एक जैसे, तो ये नहीं बता सकते बेल्टिंग कहाँ होगी, मारा जा रहा है। और ये देखिए बिल्कुल नया हो गया है, बिल्कुल नया हो गया, जैसे नया आता है ना वैसा ही हो गया, आप बता भी नहीं पाएंगे कौन सा है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा है, क्योंकि गौर से देखता हूँ तब समझ में आता है। फाइनली ये कम्प्लीट हो चुका है, ये देखिए प्लीज़ इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर कहीं भी इसे शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ऐसी प्रॉब्लम से